हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और आप देख रहे हैं घर में के चैनल। किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं आपको कि घर पे अपने खाने भर के लिए मशरूम का आप कैसे उगा सकते हैं, मशरूम को कैसे उगाया जाता है, पूरी जानकारी इसकी इस वीडियो में आपको देंगे। तो इसके लिए देखिए, ये हमने ऑनलाइन बीज मंगाया हुआ फ्लिपकार्ट से, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। आधा किलो बीज है और ये हमें 200 रुपये के आसपास पड़ा है, तो ये आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं या आप देख सकते हैं ऑनलाइन। तो और इसके बाद इसके लिए करना क्या होगा, ये देखिए हमारे पास टब रखा हुआ है और इसमें हम पानी भर रहे हैं, ये पानी भर रहा है इसमें, और ये बगल में भूसा हमने रखा हुआ है जो जानवरों को खिलाया जाता है। भूसा हमेशा अच्छा लेना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके लिए देखिए, ये हमने कार्बोनाजिप और माइकोजिप का पाउडर लिया है और इसको थोड़ा सा हम इसमें डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमको बना लेना है। और ये देखिए, ये जो बीज होता है ये पूरा पैक है, इसको हम जब अभी बोएंगे तब आपको दिखाएंगे खोल के। तो ये देखिए, इसमें हम पानी भर रहे हैं टब में और लगभग पानी भर चुका है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब ये पानी हमारा भर चुका है इसमें, इसको थोड़ा पाइप से ही हम ऐसे घुमा के चला देते हैं ताकि पानी पूरा मिल जाए। पिछले साल भी हमने बोया था और काफ़ी अच्छी मात्रा में मशरूम निकले थे। मशरूम की जो पैदावार होती है, ये मशरूम ढिंगरी मशरूम बोला जाता है इसको, और बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत होती है। काफ़ी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, विदेशी दवाएं जितनी भी आती हैं, लगभग जो टॉनिक बनते हैं उसमें ज़्यादातर यही यूज होता है, और ये कैंसर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी जो होती है उसमें बहुत होती है। तो इसको बस उगाने के लिए आपको एक भूसा चाहिए, आप जो धान का पुआल होता है उसको भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमने भूसा लिया हुआ है, अब इसको पानी में मिलाना है हमको, ये भिगो के रखना है लगभग 12 घंटे तक। तो इसको भिगोने के लिए आप इस पानी में भिगोएंगे तो इसको दबा देना है, ये नीचे भीगता जाएगा इस तरीके से। अगर आपके पास आधा किलो बीज है तो आप आधा किलो बीज को कम से कम 10 किलो भूसे में भूसा जो है भिगो सकते हैं उसके लिए, या आप 5 किलो भिगोना चाहें तो 5 किलो भिगो सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और इसकी जो खेती होती है वो छाया में की जाती है, जहाँ अंधेरा रहता हो वहाँ का टेम्परेचर जो है, अगर 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर वहाँ का रह रहा है तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है। तो हम पूरा वीडियो को अपडेट करते रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो पर जितनी भी जानकारी हम देते हैं बिल्कुल सही देते हैं और प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये भूसा भीग रहा है इसमें, अब ये पूरा आ जाएगा इसी में। तो किसान भाई, ये देखिए, ये हमने भूसा भिगोया था और ये अच्छे से भीग चुका है। इसमें थोड़ा गांठें थी तो शाम को हमने देखा था, तो 12 घंटे हो चुके थे शाम को, लेकिन हमने निकाला नहीं था क्योंकि थोड़ा टाइट दिख रहा था। अब इतने टाइम ये बहुत अच्छा हो गया है, तो इसको निकालेंगे हम। इसको निकालने के लिए तरीका ये है कि इसको हल्का हल्का से दबा के निकालना है ताकि जो पानी है वो इसमें ज़्यादा ना जाए। ये देखिए, इस तरीके से। तो भैया, ये देखिए, ये हमने भूसा जो है भिगो लिया था, और भिगोने के बाद ये देखिए, इसको अब इसमें पानी नहीं बचा है, बस ये मॉइस्ट है, अच्छे से मॉइस्चर इसमें है। तो इसको हम पॉलीथीन में भरेंगे। इस ये वाली देखिए, इतनी बड़ी पॉलीथीन लेनी है आपको, ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है और ये लगभग इतनी बड़ी देखिए है ये, इसमें हम भरेंगे इनको। भरने के लिए देखिए किस तरीके से भरना है वो हम आपको बता देते हैं, पहले हम सीड ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये सीड है, ये देखिए, ये जो सीड होता है ये फंगस होता है, इसको गेहूं या फिर बाजरे के ऊपर उबाल कर उस पर सीड जो है तैयार किया जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसमें रुई लगी हुई है और ये इसके अंदर सीड है। तो इस सीड को हल्के हाथों से ऐसे दबा के फोल्ड लेना है ताकि हर जगह पर ये सीड पड़ पाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने कर लिया है, और इसको हम एक पॉलीथिन पर निकाल लेते हैं। चूहों से बचाना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि चूहे जो है ये जो गेहूं होता है इसको खा लेते हैं और बीज पॉलीथीन जो होती है वो काट देते हैं। अब ये हमने बीज निकाल लिया है, अब देखिए ये भूसा है, इसमें कैसे लेयर बनानी है हम आपको ये बता देते हैं। ये देखिए, पॉलीथीन को ऐसे कर लेना है, ऐसे करने के बाद यहाँ पर हम भूसा भरेंगे। इस तरीके से भूसा भरना है और लगभग 2.5 से 3 इंच की लेयर बनानी होती है। तो ये भूसा हमने भर लिया है, और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सीड ऐसे डाल देंगे। सीड आपको इस तरीके से डालना है कि पूरा एक
एक समान दाने पड़ जाएँ हर जगह पर, और किनारे पर ज़्यादा ध्यान देना है कि किनारे जो है सीड जरूर पड़े, किनारे से ही ये फंगस का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो उसके बाद फिर आपको ऐसे भूसा इसमें रखना है इस तरीके से, तो एक लेयर बनती चली जाएगी ऊपर तक। उसके बाद फिर थोड़ी सीड डालना है किनारे से, ये देखिए धीरे धीरे करते करते ऊपर तक आप जब ले आएंगे तो एक अच्छा सा बंडल टाइप में बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से पूरा बन गया है, और इसको आप दबा भी सकते हैं इसे। फिर यहाँ पर रबड़ लगा देनी है, और इसमें जो होल करना वो बिल्कुल भी मत भूलें। कोशिश करें कि जहाँ पर सीड दिख रहे हैं वहाँ पर ज़रूर होने चाहिए एक दो छेद, क्योंकि फंगल डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट होगा सबसे पहले। तो ये हमने बना लिया है। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि और आप कैसे बो सकते हैं। तो देखिए ये हमने पॉलीथिन ले ली, और इसमें से जो भूसा है वो हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमको इतना भूसा भरना है इसमें, इस पॉलीथिन में। तो आप सबसे सरल तरीका होता है ये इसको भरने के लिए। अब ये जो है यहाँ पे आपको सीड उठाना है, और सीड को ऐसे मिक्स कर देना है इसमें। इसमें दो तीन दिन का समय ज़्यादा लग जाता है जर्मिनेट होने में। तो इस तरीके से आपको सीड डाल लेना है, डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें, क्योंकि सीड जो है एक लाइन में नहीं हो पाते हैं, थोड़ा दूर दूर भी हो जाते हैं, इसलिए जो फंगस का डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा समय ले लेता है। जाला जो बनता है वो थोड़ा टाइम लग जाता है जाला बनाने में, पूरे पॉलीथीन में फैलने के लिए। तो इसलिए ये मेथड जो होता है सरल तो बहुत है, लेकिन इसमें 2 से 3 दिन का समय ज़्यादा लग जाता है जर्मिनेट होने के लिए। तो अब इसमें बस कुछ नहीं करना है आपको, इसे सिंपल भर देना है। इसमें कोई आपको लेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए ये भर गया है, और इसको ऐसे पटक देना है। आप चाहें तो ऊपर से हल्का सा 2-4 दाने डाल दीजिए, इस तरीके से आप दाने डाल के, और इसको ऐसे ही बंद कर देना है। तो ये मेथड होता है बोने का। अब इनको जो है आप किस सूत्री की सहायता से या रस्सी की सहायता से बांध के इनको लटका दीजिए। छाया में लटकाना है आपको, धूप इनमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं जानी चाहिए। अंधेरे में रहेंगे तो जल्दी डेवलपमेंट होता है और प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। बस आपको मॉइस्चर कंट्रोल करना है। अभी तो ये मॉइस्चर इसमें बंद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको ओपन कर देंगे, पॉलीथीन से काट देते हैं, उसके बाद फिर आपको डेली इस पर स्प्रे करना पड़ेगा पानी का, वही मशीन से या फिर किसी पतले फवारे से करना होता है, ताकि जो मॉइस्चर है वो थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले। तो 24 घंटे में एक बार या दो बार जैसे आपकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसको नम रहना चाहिए बस, तभी आप प्रोडक्शन अच्छा ले पाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने अपने कमरे में एक इसको टांग दिया है ताकि चूहे ना खा पाएँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे, और क्या करना है आगे वो भी बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।